हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल MLM क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं Osmos टेक्नोलॉजी मतलब OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के कुछ न्यू अपडेट के बारे में, जो दोस्तों आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। दोस्तों कल कंपनी की तरफ से कुछ न्यू नोटिफिकेशन आई है, जो कि दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और साथ में दोस्तों हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर दोस्तों कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब किया हो, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो उसकी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। ये दोस्तों कंपनी की कुछ न्यू नोटिफिकेशन है, जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 10 तरह के नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली नोटिफिकेशन, तो नेशनल प्लान से इंटरनेशनल प्लान पे आईडी स्विच करने की लास्ट डेट बढ़ाई गई। मतलब दोस्तों अब आप 12 दिसंबर तक अपनी आईडी को स्विच कर सकते हो, लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 12 तारीख तक दोस्तों आपको वेट नहीं करनी है। अगर आपको डिसीजन है आईडी स्विच करने का तो आज कल में ही कर लें, क्योंकि 12 तारीख तक फिर से सर्वर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। एक साथ बहुत सारे लोग सर्वर पर आ जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपकी डिसीजन है आईडी स्विच करने की तो वो आज ही ले लीजिए, या वरना फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी का अब आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आईडी स्विच कब करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 12 दिसंबर तक आपको वेट नहीं करनी है। अगर आईडी स्विच करने की डिसीजन है आपकी तो अभी फास्ट लीजिए और आईडी को स्विच करिए, और इसी में दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पर 15 दिसंबर तक आपको आईडी एक्टिव करना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों अगर आपने आईडी एक्टिव नहीं किया, आपकी आईडी इनएक्टिव पड़ी हुई है, तो आप 15 दिसंबर तक अपनी आईडी को एक्टिव करवा सकते हैं। अगर नहीं किया आपने तो आपकी आईडी यहां पे ब्लॉक हो जाएगी। मतलब सिंपल सा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि अपनी आईडी को स्विच तो कर लिया, लेकिन अपनी आईडी को एक्टिव नहीं किए। किसी के $10, किसी के $12, किसी के $5, इस कारण से बहुत सारे की आईडी पड़ी हुई है। तो अगर आपका भी ऐसा पड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी जस्ट आपको अपनी आईडी को एक्टिव कर लेना चाहिए। जो भी आपको रिमेनिंग अमाउंट है वो ऐड करके या फिर अपने अप्लाइंस से लेकर आपको अपनी आईडी को एक्टिव करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो 15 दिसंबर के बाद वो सारी आईडी सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने आईडी को स्विच कर लिया है तो ना आप इंटरनेशनल प्लान पर रह पाओगे, ना ही नेशनल प्लान पर रह पाओगे, अगर 15 दिसंबर तक अपनी आईडी को एक्टिव नहीं करते हैं। और फिर मैं वही बोलूँगा, 15 दिसंबर तक आपको वेट नहीं करनी है। अगर अपनी आईडी को आपको एक्टिव करना है तो अभी आज कल तक में ही फैसले लीजिए और एक्टिव कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक में काफ़ी ज़्यादा सर्वर बढ़ जाते हैं, जिस कारण से लोगों को प्रॉब्लम इशू आना शुरू हो जाता है। तो लास्ट डेट तक कभी भी वेट मत कीजिए, चाहे किसी भी चीज़ को लास्ट डेट तक कभी वेट मत कीजिए। उससे पहले अगर आपका डिसीजन येस है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नुकसान ये होता है, जो भी आपका वॉलेट का बैलेंस है वो सारा लैप्स हो जाएगा अगर 15 दिसंबर के अंदर अपनी आईडी को एक्टिव नहीं करते हैं। और यहाँ पर तीसरी अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15 तारीख से अगर आईडी एक्टिव नहीं करते तो जो भी टीम का है, जो भी आपका टीम का स्ट्रक्चर है, 5, 6, 50, 100, 500, 600 जितने भी दोस्तों टीम का स्ट्रक्चर है, वो दोस्तों सारा लैप्स हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक अच्छी प्रॉफिट वाली बात बताता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए 500 की भी टीम है और उसमें 30%, 40% भी टीम दोस्तों अगर आपने एक्टिव कर लिया, तो फिर से दोस्तों वही इनकम आना आपको शुरू हो जाता है जो पहले आपको आती थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लेवल इनकम वगैरह डबल मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर जो भी आपके पास टीम है उनका कम से कम 30% से 40-50% तक लोगों को एक्टिव कीजिए, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर एक इनकम मिल सके, वो भी दोस्तों सिस्टम का यहाँ पर फायदा ले सके। अब दोस्तों यहाँ पर चौथी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15 दिसंबर के बाद OSM टू OSM वॉलेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब जो भी आपके OSM वॉलेट में फंड पड़ी है वो उसे दोस्तों अगर कहीं ट्रांसफ़र करनी है तो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी की आईडी को एक्टिव करना है तो अभी ही कर सकते हैं, 15 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, किसी को भी आप OSM टू OSM वॉलेट फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब आईडी एक्टिव 15 दिसंबर के बाद जो भी आपके पास OSM वॉलेट होगी, अगर आप किसी की आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो OSM वॉलेट का सिर्फ 20% ही यूज आप कर पाएंगे। तो ये भी दोस्तों, अगर आप 15 दिसंबर से जिनको भी दोस्तों आईडी को एक्टिवेट करना है आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि OSM वॉलेट का 50% फंड अभी आप यूज कर सकते हैं। मतलब $32 से किसी की आईडी को अगर एक्टिवेट करते हैं तो $16 आप OSM वॉलेट से यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद अगर $32 से किसी की आईडी को आप एक्टिवेट करेंगे तो सिर्फ $6 ही आप यूज कर पाएंगे। तो अच्छा है दोस्तों, अभी आपके पास मौका है, जितने भी आपके टीम है सभी को OSM वॉलेट को यूज करवाइए, अपने जितने भी आपके पास OSM वॉलेट का फंड है उसे यूज कीजिए। एक और दोस्तों न्यू अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं, 15 दिसंबर से टॉपअप टू टॉपअप वॉलेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब जो भी आपके टॉपअप वॉलेट में फंड पड़ी है आप दोस्तों अभी कुछ 15 दिसंबर तक ही एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर छठी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप फिर से OSM से जुड़ना चाहते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि अगर 15 तारीख के बाद आपकी आईडी एक्टिव हो जाती, इनएक्टिव हो, मतलब
डिलीट हो जाती है, सिस्टम से डिलीट हो जाती है, तो फिर वो आईडी आपको नहीं मिलेगी। अब अगर फिर से आपको ओसमोस टेक में ज्वाइन करना है तो फिर से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर आपको फिर से वर्किंग करनी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर टीम आपकी बनाई हुई है तो सिंपल आप अपनी आईडी को एक्टिव करें, 200-500 रुपये ज़्यादा बहुत बड़े अमाउंट नहीं होते, सिंपल अपनी आईडी को एक्टिव करें, ताकि दोस्तों जो भी टीम आपकी बनी है उसका स्ट्रक्चर आपको नुकसान ना हो, स्ट्रक्चर आप नहीं खोएं। जब तक न्यू साइट में अपडेशन चलेगा, मतलब दोस्तों जब तक न्यू साइट में जैसा कि देखते हैं अपडेट चल रही है, कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है, तो दोस्तों तब तक बिना टास्क के आपको इनकम मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों 15 तारीख तक ये अपडेट वगैरह चलती रहेगी, 15 तारीख तक बिना टास्क के आपको इनकम मिलती रहेगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं तो बिना वर्क के भी आपको इनकम मिलते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको डेली टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सिंपल दोस्तों, आप बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पैनिक होते हैं कि यार टास्क का ऑप्शन अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए कोई बात नहीं, अगर टास्क का ऑप्शन नहीं भी आया तो भी आपको इनकम मिलेगी। तो जब तक साइट में अपडेट वगैरह चलती रहेगी, बिना टास्क के आपको इनकम यहाँ पर मिलती रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों विड्रॉल की बात करें तो जब दोस्तों आईडी स्विच का लास्ट डेट होगा 12 दिसंबर, उसके बाद आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो अगर जो भी आपका सेल्फ इनकम वगैरह बनती है आप उसे विड्रॉल भी ले सकते हैं 12 दिसंबर के बाद। 2400 के अंदर टोटल डिपॉजिट है, तो स्विच करने पर मतलब दोस्तों जितके भी 2400 के अंदर में जो भी अमाउंट है उनका बनता है, मान लीजिए किसी ने 1200 से ज्वाइन करके 500-600 विड्रॉल लिया है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर अच्छी खबर है कि वो $16 से तो $16 दोस्तों आपको मिल जाएगा। और जो भी आपके ओसमोस में फंड होगी, जो भी आपके वॉलेट में फंड होगी दोस्तों, ओसम वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी। एक और दोस्तों आप यहां पर देखते हो जो कि काफ़ी अच्छी खबर है, जिन लोगों की आईडी ओल्ड और न्यू वेबसाइट में ओपन नहीं हो रही है, वो मेंबर सपोर्ट प्लेटफॉर्म पर क्वेरी सबमिट कीजिए। मतलब www.osmsupport.com पर जाएं, वहां पर दोस्तों अगर आपकी आईडी ओपन नहीं हो रही तो वहां पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर दी, www.osmsupport.com। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज आपको मिलेंगे और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो वैसे है हाउ टू एड फंड, तो फंड वगैरह कैसे एड कर सकते हैं, वो कंपनी के बनाए हुए वीडियो है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी दोस्तों आपकी वजह से अगर आपके अकाउंट्स ओपन नहीं हो रही, आईडी ओपन नहीं रही, तो अकाउंट्स पर क्लिक करके अपनी क्वेरी को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर स्विच का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स जो भी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम है वो दोस्तों यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोस्तों अकाउंट्स पे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नेम आपको अपने यहाँ पर डाल देना है, ईमेल आईडी आपको डाल देनी है, ओएसएम आईडी आपको डाल देनी है, फोन नंबर आपको डाल देना है, और राइट योर क्वेश्चन, जो भी दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है। सबमिट करेंगे आपको दोस्तों कुछ ही टाइम पर आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगी, या तो ईमेल में या फोन में दोस्तों आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपकी आईडी ओपन नहीं हो रही तो इस प्रोसेस को आप करके अपनी आईडी को ओपन यहाँ पर करवा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।